तो फैमिली ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं नेवला। ये जो आप देख रहे हैं ना छोटा सा, ये होता है नेवला। और ये गांव में अक्सर देखने को मिलता है। मतलब ये सांप का दुश्मन होता है। और इस यहाँ पे एक और है, वो देखिए दिख रहा होगा आपको, गेट के पास वेट कर रहा था। और ये पता नहीं कहाँ झाड़ियों से होके जा रहे हैं। और ये सांप के दुश्मन। दोस्तों अब जा रहे हैं हम खेतों में, इधर ऐसे ही थोड़ा वॉक करने। तो कम ऑन, चलते हैं अंदर। हाँ गाइस, एक बात तो है कि खेत मतलब गांव में रहना काफी अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत मतलब ग्रीनरी होती है, शांति मिलती है यहाँ पे। बहुत मतलब बहुत शांति सी मिलती है यहाँ पे, ग्रीनरी भी होती है यहाँ पे बहुत। तो गाइज, मैंने आपको वीडियो में बताया था ना, यहाँ पे नेवले देखे थे दो। तो गाइज, यहाँ पे नेवले ऐसे दिखते रहते हैं, काफी सारे दिखते रहते हैं। तो मतलब यहाँ पे कुछ कॉमन ही है यहाँ पे नेवले दिखना। यहाँ पे कुछ मतलब जैसे खास नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन सीढ़ियों पे ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे बहुत फिसलिंग भी होती है। आजकल बारिश का मौसम है ना, तो यहाँ पे ध्यान से चलना पड़ता है। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम खेतों में, जैसे देख सकते हैं आप। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पानी वाले जो है, ये होती है धान की फसल होती है ये। तो इसमें चावल उगते हैं बाद में, जो चावल होते हैं ना वो उनकी उनके खेत होते हैं ये। और यहाँ पे काफ़ी सारे नीचे भी हैं, और ये पूरे उस साइड को भी हैं, और ये पानी में ही उगते हैं। तो देखिए, ये है केले का पेड़। आजकल की जो नई जनरेशन होती है उनको पता भी नहीं होता कैसे दिखते हैं केले के पेड़, देख सकते हैं आप। और एक स्पेशल चीज़ इनमें होती है कि इनमें लकड़ी नहीं होती है, इन पूरे पेड़ में लकड़ी नहीं होती। और इनके ऐसे बड़े बड़े पत्ते भी होते हैं, देख सकते हैं। तो गाइस देखिए, कितना सुंदर डिजाइन है इस पत्ते का, देखो कितना ब्यूटीफुल है। ये देखिए, बड़ा छोटा छोटा छोटा। तो दोस्तों देखिए, ये है मेरी नानी का खेत। ये देखिए उधर तक है। और ये जो ये देख रहे हैं ना आप छोटे छोटे प्लांट्स, ये है अदरक के प्लांट है। इसके नीचे अदरक उगता है, उनके नीचे होता है अदरक। तो दोस्तों ये है, ये देखिए आप, पानी बह रहा है। तो ये है नेचुरल वाटर जो ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आता है ये पानी। और ये अनलिमिटेड चलता रहता है हमेशा। और आपने ये बुक्स में पढ़ा होगा, ये नेचुरल वाटर ऊपर से आ रहा है पहाड़ से, मतलब थोड़ा ऊपर से आता है ये, और ये हमेशा अनलिमिटेड चलता ही रहता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना सारा अदरक है। ये भी नानी का खेत है, और यहाँ पे बहुत सारे खेत अदरक की खेती की हुई है, देख सकते हैं आप।
तो दोस्तों देखिए ये है मतलब ये एक प्लांट है जो अगर हम यहाँ से ऐसे तोड़ते हैं ना तो इसमें से देखिए दूध निकलता है, और ये दूध बहुत काम का होता है। अगर ना काम करते वक्त हमें कांटा लग जाए ना, तो फिर उस कांटे पे अगर हम ये डालेंगे ना दूध, तो ना उसमें जो कांटा फंसा होता है वो खुद ऊपर आ जाता है और हम उस कांटे को इजीली निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी काम का पेड़ होता है, मतलब प्लांट होता है। तो दोस्तों ये देखिए ये है बाबड़ी। तो ये देख सकते हैं आप, ये आपको नई लग रही होगी क्योंकि इसके ऊपर छत है, लेकिन ये छत हाँ नहीं है, लेकिन इसके जो ये पानी है ना इस ये अंदर का बहुत पुराना बना हुआ है। छत तो इस पर नई नई लगाई हुई है ना, ये बावड़ी का पानी मतलब पीने लायक होता है, इसको पी सकते हैं। और आप देख सकते हैं उधर से पानी निकल रहा है, और यहाँ पे मतलब पेड़ भी ऐसे थोड़े मतलब ऐसे डरावने से हैं। तो ये है बैम्बू ट्री जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये मतलब ऐसे ये तो छोटे वाले बैम्बू है, लेकिन ऊपर ऊपर ना जहाँ से ये रास्ता आता है ना गांव को, उधर बहुत सारे बैम्बू लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। ये मैंने आपको व्लॉग में भी दिखाया होगा, पीछे कोई एक व्लॉग होगा, और देखिए ये ऐसे बेंड हुए हैं, और इनमें से ये ऐसे बेल निकली हुई है नीचे को, ऐसे ये निकलती है इनमें से, देख सकते हैं आप, ये हार्ड भी है। फैमिली ये देखिए ये है वो पुरानी हवेली जो हमने आपको ऊपर से दिखाई थी और एक बार नीचे से भी दिखाई थी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, आपको बताया था जैसा कि यहाँ पे ऐसे इस वाले रूम में काऊ या बकरियाँ रखी होती हैं। और वो देखिए ये ब्लू हाउस, ये है नानी का घर, और हम टॉप पे भी गए थे, आपको दिखाया होगा हमने आज सुबह। तो ये है यहाँ से रास्ता, ये बैक साइड भी दिखाई दे। तो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कल।